सायरन बजाते हुए ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन तो आपने बहुत देखी होगी और इसमें बैठकर सफर भी किया होगा, लेकिन इसके बावजूद जिस ट्रेन में आप बैठते हैं उससे जुड़ी ऐसी कई अहम बातें हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, जिसे लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। ऐसा ही एक सवाल है कि आखिर जिस लोहे के ट्रैक पर ट्रेन सरपट दौड़ती है उस लोहे में जंग क्यों नहीं लगता। आमतौर पर आप कोई भी लोहा देखिए, एक समय बाद उसमें जंग लग ही जाता है जिससे बचने के लिए लोग लोहे पर पेंट तक लगाते हैं, लेकिन रेल की पटरियों में लगने वाला लोहा ऐसा होता है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मैंगलॉय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां तैयार की जाती हैं। स्टील और मैंगलॉय के मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैग्नीज और 1% कार्बन मिला होता है। ऐसा माना जाता है कि स्टील में मौजूद इसी मिश्रण की वजह से ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण काफी धीमी गति से होता है, जिससे ट्रेन की पटरियों पर सालों साल तक जंग नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोहा हम इस्तेमाल करते हैं अगर उससे रेलवे पटरी बनाई जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें, अगर ट्रेन के ट्रैक को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी की वजह से उसमें जंग लग जाएगी। जंग लगने से रेल की पटरी को जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा और इसमें खर्चा काफी आएगा। इसी खर्च और समय को बचाने के लिए रेल ट्रैक बनाने के लिए रेलवे स्टील, कार्बन और मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है।